तो स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जा रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे बहुत लोग जाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं देहरादून, और भैया को हम जा रहे हैं छोड़ने अपनी मम्मी के पास। ये मेरा बेटी, ये मेरा बाबू। और हम लोग बस घर से निकल रहे हैं। पूजा जाएगी अपने ऑफिस, भैया जाएगा नाना नानी के यहाँ, और इसका डैडी जाएगा काम पे देहरादून। ये वीडियो है, ये फोटो नहीं है। जा रहा है अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा है। मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगा। टाटा बाय, टाटा बाय। ओले ओले ओले, टाटा। भाई 8:35 हो गए हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग। और एक भाई साहब का वेट कर रहे थे, वो द्वारका से निकले, फिर रास्ते में उन्हें थोड़ा जाम मिला, अब हमें जाम मिलेगा। जाम तो ख़त्म होगा नहीं लाइफ से, है ना। और जैसे जैसे 8:30-9 वाला टाइम होता है, आपको पता ही है दिल्ली में 7:30 से ही लग जाता है जाम। तो देहरादून जा रहे हैं। देहरादून नॉर्मली हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं हर बार, बट गडकरी जी कह रहे थे कि कोई ऐसा हाईवे बनाएंगे कि 2 घंटे में पहुँच जाओगे। तो वो तो अभी शायद बना नहीं होगा जो पैरेलल ही, क्योंकि एक पैरेलल हाईवे बन रहा था, हाईवे तो नहीं बना होगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मेरठ, हाँ फॉर्चुनेटली मेरठ 1/2 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ से। हम मेरठ काफ़ी पास हो गया है, तो अभी 2 लोगों को पिक करना है, एक का भी वेट करना है, वो आ जाए भाई साहब। तो अभी तो हम निकले हैं, टाइम जैसे मैंने आपको बताया 8:35 हो रहा है। लेट्स सी भाई, एक मूर्ति चौराहे से निकल रहे हैं। बुद्ध जी की एक मूर्ति, इसी के नाम पे एक मूर्ति चौराहे। सामने फुटओवर ब्रिज बना है, और ये बोल रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा का पहला फुटओवर ब्रिज है। महेश शर्मा जी हैं यहाँ के सांसद, ये बना हुआ है। रास्ते में रुक गए हम भाई का वेट करने के लिए, और ये है अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो आपको सामने दिख रहा है। इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है कि हवा नहीं लगती है भाई। ये जो सामने आप रोड देख रहे हो, ये दिल्ली सराय काले खां जाती है डायरेक्ट, है ना। और इस तरफ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये जाती है सामने, सीधे रोड जाती है मेरठ चली जाएगी, ये मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, मुरादाबाद। और सामने जो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, वो ABS कॉलेज है। ये ABS कॉलेज यहाँ का एक लैंडमार्क है। और ये रहा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और सामने टाटा मोटर्स का वर्कशॉप भी, यहाँ पर गाड़ियाँ ठीक की जाती हैं। 9:27 हो गए हैं, और ये भाई साहब आ गए हैं, ये देखिए इटगा लेके आए हैं, और जाएंगे ये इनोवा से। वाह वाह वाह, हाईवे पे है। और एक बंदे को और पिक करना है। कहाँ खड़ा? ये खड़ा, ये रहा। ये हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट भी खोल दिया है, उस साइड से अब आते हो तो दिखता है। तो हरिद्वार वाले रास्ते में, और हमने ये देखा कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी खुल गई है। भैया शहर के नाम पे यूनिवर्सिटी खुलेगी क्या? एयर सफारी भी खुल रही है, हेलीकॉप्टर बुक कराइए। और देहरादून, मसूरी, पता। तो भाई चंडीगढ़ हाईवे पे जैसे रेस्टोरेंट है, और उसमें सबसे फेमस है सुखदेव ढाबा, वो भी मेरठ में आ गया है। चोटी वाला भी आ गया है, ये देखो बोर्ड लगा रखा है इन्होंने। तो इस रोड से गुजरूंगा तो मैं दिखाऊंगा। पहला वाला टोल आ गया अपना, यही टोल से आप ऋषिकेश, हरिद्वार निकलेंगे। और इस हाईवे पे ध्यान रखिएगा भैया, किस तरफ जाना है आपको, अदरवाइज आप फंस जाओगे, दूसरी जगह चले जाओ। तो भाई 9:50 हो गया, और ये वाला जो हाईवे बना है, इतना बढ़िया हाईवे बना है यार, कि आप मेरठ नोएडा से 1/2 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। और जैसे आप इस हाईवे पे आते हो ना, ढेर सारे एड दिखेंगे आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था खेतों के बीच से रेस्टोरेंट्स के एड दिखेंगे। ये देखो खेत है, ये गन्ने का खेत लग रहा है क्या? हाँ गन्ने का खेत है ये देखो। और इस खेत के बीच से निकल रहे हैं एक पॉलिटिशियन, लोकदल, चौधरी विजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव हैं ये लोकदल के। और ये ढाबे का ऐड ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? UP 15 ढाबा, और पीछे शिवा ढाबा। शिवा ढाबा तो काफ़ी फेमस है भैया। तो हम लोग अभी यहाँ रुके हैं, और बहुत बढ़िया हाईवे बनाया है।
9:54 हो गए और मेरठ पहुंच गए। और मेरठ मेरठ नहीं रहा भाई, मेरठ बन जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये आप देख रहे हो हाईवे है, उसके ऊपर ये RRTS वाली ट्रेन जाएगी। अभी आने लगे हैं कि UP 15 के ढाबे का बोर्ड देखो कितना बड़ा लगा रखा है भाई। क्या आ गया भैया, शिवा ढाबा और इसके बगल में। तो भाई सुभारती हॉस्पिटल पहुंच गए और अभी यूनिवर्सिटी बन चुका है और सामने मार्स रिजॉर्ट। और ये हाईवे तो एकदम चमक गया है भैया, इतने रेस्टोरेंट। ये देखो छोटी वाला जो ऋषिकेश में बहुत फेमस रेस्टोरेंट की चेन है, छोटी पहन के एक बंदा खड़ा रहता है बाहर बैठा रहता है, उसके साथ लोग फोटो खिंचाते हैं। लोग मेरठ से निकल गए यार, 1.5 घंटा हमारा थोड़ा यहाँ लगा मीटिंग में। और ये भारत की पहली रीजनल रेल जो बन रही है RRTS, ये बेगमपुर के पास से निकलेगी। ये देखो अभी आगे दिखाता हूँ मैं, और ट्रेन साइड पे भी देखिए भाई ट्रेन स्टेशन बन रहा है और आगे दिखाता हूँ मैं। ये बन रहा है RRTS वाला, बहुत टाइम लगेगा यार इसमें। ये कट नहीं आगे है, आगे कट है, चलते रहिए। मेरठ में आ चुके हम लोग, पंडित ढाबा बहुत बढ़िया चाय देता है ये। इसके चाय पियेंगे और थोड़ा नाश्ता करेंगे। घर जो है ये बर्फी वाला है मेरठ में। और एक और इन्होंने ये पंडित ढाबा ने यहाँ फैमिली के लिए बना रखा है रेस्टोरेंट। पूजा ने बना के दिया था सब्जी और ये पूड़ी, ये कर रहे हैं नाश्ते में। तो चाय पी लिए, नाश्ता कर लिया यार, बहुत बढ़िया चाय देता है यार। एक बार आप लोग जरूर आइएगा, बस उस पे पंडित वाला डाल दीजिएगा, पंडित जी चाय वाला या बर्फी वाला। मेरठ हाईवे पे दूसरा टोल आ गया अभी, है ना। नोएडा से चले थे पहला, वो दूसरा लिया, मेरठ से बाहर निकालते हैं ना। रास्ते में रुके हैं हम और आप खूबसूरत से ये फूल देखिए। जब भी हम लोग ऋषिकेश जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो यहाँ ज़रूर रुकते हैं। नाम है चीतल ग्रैंड और यहाँ पर जो है ड्राइवर्स के लिए फ्री में फूड मिलता है और अच्छा पराठा और मिलता है। हम लोग ने तो एक्चुअली खा ही लिया, आपने देखा ही होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर रुक के खा सकते हो। और बेस्ट चीज़ है यहाँ पर ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं यार। और अभी आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर इन्होंने मछलियाँ भी रखी हैं छोटी छोटी, रुको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो पिछली बार तो थी, इस बार है कि नहीं, हाँ है। तो पानी काफी गंदा है, बैठा है छोटी छोटी मछली आई है देख। तो भाई अब वापस जा रहे हैं हम, ड्राइवर ने हमारे खाना खा लिया। और जैसे मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया एरिया, इतने अच्छे अच्छे पौधे, कलरफुल जो फ्लावर्स है जो आपको साइट में दिख रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। टॉयलेट फ्री टू यूज़ है ऑफ कोर्स। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बाहर का खाना अंदर अलाउड नहीं है और पेट्स अंदर अलाउड नहीं। अगर आपके पास डॉग्स हैं उनको आपको गाड़ी में ही रखना पड़ेगा। बाकी बैकग्राउंड में देखो मस्त लग रहा है। मुजफ्फरनगर पहुँच गए हैं और ये वाला जो पॉइंट आता है ना बाईपास के आगे, पूरा जाम लगता है कभी कभी बस, अदरवाइज तो ट्रैफिक फ्री है ये पूरा। थोड़े से चलते चलते अभी तीसरा वाला टोल है भाई, फास्टैग काम कर रहा है। लग रहा था फास्टैग चल रहा है लेकिन यहाँ लिख रखा है इन्होंने फास्टैग नॉट अवेलेबल एट टोल प्लाजा। यहाँ कैश लेते हैं भैया है। ये लगता है स्ट्रेट हाईवे है क्या भैया, है ना। yes. एक और टोल आ गया, पिछले वाले टोल पे तो आपने देखा वहाँ फास्टैग नहीं चला, ये वो इस पे चल गया है। यहाँ पर भी नहीं चल रहा है, देखो लगा रखा है उत्तर प्रदेश राज्य में फास्टैग उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर भी नहीं चलता भाई, वो रेट ये लिखे हैं इसके गाड़ियों में। ये जो रोड है लेफ्ट हैंड साइड पे चंडीगढ़ अम्बाला जा रही है और फिर आगे से यू टर्न लेके हम लोग आएंगे यहाँ पर, ये चढ़ जाएंगे देहरादून हाईवे पे। यू टर्न हमने ले लिया है, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देहरादून, सीधे दिल्ली। अच्छा रुड़की वाला भी यही रास्ता है। देहरादून तो नहीं पहुंचे लेकिन भाई साहब टोल पे टोल, टोल पे टोल दिए जा रहे हैं। कभी कोई बोलता है स्टेट हाईवे का टोल है, अब ये NHI का है, यहाँ फास्टैग चल जाएगा, लेकिन भाई साहब अभी पहुंचे नहीं है। अभी देखो कितने और टोल आएंगे। फाइनली पहाड़ दिख गए हैं सामने, ठीक है उसको बोलिएगा पर्सनली आपको भेजा रास्ते में। तो ये जो पुल है ये अभी तक बनता ही चला जा रहा है भाई, ये बन जाएगा तब वो 2 घंटे वाली कहानी चालू होगी लगता है।
हैंड साइड पे ये वाला जो पुल बन रहा है जो जंगल और नदी के बीच से होता हुआ जाएगा, राइट में आपको दिख रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट नो कब कंप्लीट होगा, तो और कम टाइम लगेगा हमें। देखो तो यहाँ तक तो खाली सरिया लगी हुई है, अभी यहाँ तक नहीं आया प्रॉपर, अभी तो बहुत टाइम बाकी है भाई। तो यहाँ पे देखो बन रहा है अभी, ये देखो कनेक्ट नहीं हुआ है, ये आ गया टनल वाला रास्ता, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, ये टनल है, वो टनल थी यार, वो देखो वो वाली बंद है अभी, उसको इधर से खोल देंगे। अच्छा जो आने वाली जो टनल है, पहले हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देखो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नीचे से हम लोग आते थे, अभी इन्होंने ऊपर वाला बना दिया है और अब एक और टनल आएगी, वहां से हम लोग घुसेंगे शहर के अंदर। हम तो अभी चालू है, अभी टाइम लगेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, आई थिंक एक को वन वे कर देंगे, बंदर बहुत है यहाँ पे। हाँ तो भाई देहरादून हम बस पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में, और ओवरऑल आपको रास्ता मैंने दिखाई दिया, अब मैं आपको टाइम कैलकुलेट बताता हूँ। तो ओवरऑल क्योंकि हम लोग 1.5 घंटे के अप्रॉक्स मेरठ में रुके थे, चाय पीने के लिए रुके, जहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, फिर हमारे ड्राइवर साहब भी एक जगह रुके थे, तो टोटल अगर आप 4 घंटा मान लो, अगर दिल्ली से या नोएडा एक्सटेंशन से या नोएडा से आओगे नॉन स्टॉप आओगे, नॉन स्टॉप तो कोई नहीं आता, बीच में एक बार तो आप रुकोगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे जो पिछली बार भी हमें लगे थे, 4 घंटे में आप 4-4.5 घंटे में आप आ सकते हो। और जो नया वाला हाईवे भी आपने देखा रास्ते में बन रहा है और एक और हाईवे बन रहा है, तो शायद ये जो 2 घंटे वाला जो सपना है वो शायद आने 2 साल में पूरा हो, अभी तो मैं नहीं बता सकता। गडकरी जी का जो सपना है कि दिल्ली टू देहरादून 2 घंटे, तो वो बोलोगे हाँ, लेकिन टोल बहुत ज़्यादा हो गया, बीच में रीजनल 2 टोल आ गए जो पहले नहीं थे, मुजफ्फरनगर के आगे जो आपने देखा इंटर करते हुए भी, और वहाँ पर फास्टैग नहीं चलता, ये भी देखा आपने, तो वेलकम हो गया। ये दिखाते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ये रहा वेलकम टू उत्तराखंड वाला बोर्ड, और सामने देहरादून दिख रहा है आपको।